आज अपने इस वीडियो में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमएससी प्रीवियस ईयर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको एमएससी जूलॉजी हिंदी मीडियम के नोट्स भी मिल जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। अब अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पेपर का जो सिलेबस होता है वो चार बुक्स में डिवाइड होता है। पहला टैक्सोनॉमी, दूसरा इम्यूनोलॉजी, तीसरा मोलिकुलर बायोलॉजी और चौथा इवोल्यूशन। आपका जो पेपर का पैटर्न होता है वो 75 मार्क्स का होता है। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो दो नंबर के आते हैं और आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं 20 नंबर के, और जो आपके मीडियम क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने होते हैं, 5 ही करने होते हैं 25 नंबर के, और जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो आपके 10 नंबर के आते हैं, उनमें से 5 में से आपको 3 करने होते हैं 30 नंबर के। इनको टोटल मिला दिया जाए तो 75 नंबर बनते हैं और इसमें से आपको 19 नंबर चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। और जो आपका प्रैक्टिकल का पैटर्न होता है वो 150 नंबर का होता है, 75 75, दो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, वो आपके एग्जामिनर पे आपके नंबर डिपेंड होते हैं। अब अपने चलते हैं सिलेबस की तरफ। देखिए, आपका जो फर्स्ट बुक है टैक्सोनॉमी, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर आपका टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस दिया हुआ है। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में भी डिस्कस कर दिया जाता है। फिर स्पीसीज और स्पीसीज किसे कहते हैं, स्पीसीज के कुछ टाइप्स, तो ये सभी आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इसके अलावा अगर अपने सेकेंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पर रेडिएटा, बाइलेटेरिया, रोटीफेरा, इन सभी का ओरिजिन कैसे हुआ और इनके डिफरेंस के बारे में बताया गया है। अगर अपने थर्ड यूनिट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपको जैसे फिल्टर फीडिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो इन सभी के बारे में डिटेल के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अमीबा से लेके हेमिकोर्डेटा तक, इन सभी में जो रेस्पिरेशन या फिर अपने कह सकते हैं फिल्टर फीडिंग पाया जाता है, उन सभी का डिटेल में अध्ययन किया जाता है। यही फोर्थ यूनिट है। इसके अलावा अगर अपने फिफ्थ यूनिट की बात करें तो ये आपकी एक अलग से फाइलोजेनी के अंदर आती है, पैरासाइट की, पैरासाइट, इसमें आपको पैरासाइट और उनके रोग के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर अपने सेकंड बुक की बात करें तो ये बहुत इजी बुक है। यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट यूनिट में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, इन सभी के बारे में नॉर्मल डिस्कस किया जाएगा, थोड़ा बहुत आपका डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर अपने सेकेंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन क्या है या फिर अपने कह सकते हैं टीकाकरण क्या है, MSC, HLA, इन सभी के बारे में यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। कुछ एक जो है प्रोटोजोआ या फिर अपने कह सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन आ गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, इनके बारे में अपने बात करेंगे। इसके अलावा अगर अपने फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा अगर अपने थर्ड बुक की बात करें तो थर्ड बुक की मैंने यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें DNA RNA के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया। इसके बाद में आपको सेकेंड और थर्ड यूनिट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, वो आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वो देखिए ऐसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पुट कर दिया कि फिश और गिस में डिफरेंस बताओ, या फिर यहाँ से ऐसा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि जीन इम्प्रिंटिंग क्या है, तो यहाँ पे आपको वीडियो के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, या फिर आपका जो कोई भी आपका HOD है वो आपको जैसे करवाए वैसे आप थर्ड यूनिट बिल्कुल, थर्ड बुक पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी बैक भी आ जाती है, तो आपको थर्ड बुक पर विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आपने बात करें फोर्थ बुक की तो फोर्थ बुक इवोल्यूशन पर डिपेंड करती है। इवोल्यूशन का अपना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी मीडियम नोट्स, आप उसके PDF देख लेना। एक वीडियो में मैं आपको फोर्थ बुक के PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इवोल्यूशन पहले अपने जो BSc लेवल पे आपको यही पढ़ाया जाता है कि लेमार्क और डार्विन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उनकी थ्योरीज के बारे में, लेकिन अपने यहाँ पढ़ेंगे कि लेमार्क से पहले क्या था और डार्विन के बाद क्या हुआ, इसके सिंथेसिस थ्योरी क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर है वो बताई जाती है। तो यहाँ
और इसके बाद में अगर हमने सेकंड और थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जाता है। तो ये आपके जो जितने भी आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा हिंदी मीडियम नोट्स के साथ। आप कोई भी नोट्स मत खरीदिए, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आपके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हैं।